दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेजर टिप्स के और एक नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है एलोवेरा के अद्भुत फायदे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चेहरे के निखार के लिए एलोवेरा का उपयोग और एलोवेरा के असरदार फायदे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते चेहरे के निखार के लिए एलोवेरा कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने चेहरे के निखार और ऑयली स्किन के निजात पाने के लिए क्या कुछ करते नहीं देखा होगा। कोई बेसन लगाता है तो कोई और तरह तरह के फेस पैक और स्क्रब इस्तेमाल करता है, लेकिन इन सब पर अकेला एलोवेरा ही भारी है। एलोवेरा हमारी स्किन और चेहरे के लिए कई तरह से फायदेमंद है। इसे सही तरह से इस्तेमाल करने पर अन्य किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। आइए जानते हैं एलोवेरा के ऐसे ही कुछ प्रमुख फायदे। सबसे पहले, एलोवेरा स्किन को करता है मॉइस्चराइज। एलोवेरा चेहरे को बिना चिपचिपा या ग्रीसी लुक दिए मॉइस्चराइज करता है। ऐसे में ऑयली स्किन वालों के लिए यह एक बेहद उपयोगी है। मेकअप करने वाली महिलाओं को मेकअप से इसे लगाने की सलाह दी जाती है, जिससे स्किन का मॉइस्चराइजर बना रहता है। अगला है, एलोवेरा एंटी एजिंग है। उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है। ऐसे में एलोवेरा एक एंटी एजिंग एलिमेंट के तौर पर काम करता है। एलोवेरा में बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो स्किन को नेचुरल और जवा रखते हैं। अगला है, एलोवेरा कील मुहासों और अन्य स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत ही फायदेमंद है। एलोवेरा स्किन को भीतर से मॉइस्चराइज करता है और कई क्रोनिक स्किन बीमारियां जैसे सोयरासिस, कील मुहासो और एक्जिमा आदि को भी ठीक करता है। अगला है, जब स्किन टैन होती है तो उस पर एलोवेरा लगाने से बहुत फायदा होता है। गर्मियों में या धूप में रहने पर स्किन टैन होता है और ये तो आम बात है। हालांकि इसे सही ना किया जाए तो यह परमानेंट भी हो सकता है। ऐसे में एलोवेरा आपके लिए बेहद मददगार साबित होता है। 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नींबू का रस और थोड़ा शहद लेकर यह आपने चेहरे पे लगाए, इससे स्किन टोन काफी बेहतर होता है। अब हम देखेंगे एलोवेरा के असरदार फायदे। वैसे तो एलोवेरा के फायदे तो अनगिनत है। कुछ फायदों के बारे में तो आप भी पक्का जानते ही होंगे, पर आज हम आपको इस पौधे के गुण और लाभ की एक सूची से अवगत कराएंगे, ताकि आप मन ही जाएंगे कि ये गजब का पौधा है। एलोवेरा को संजीवनी के नाम से संबोधित करना किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं कहलाई जा सकती है। इसकी पूरे विश्व में 400 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, परंतु इनमें से केवल 5 ही प्रजातियां हमारे स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। आइए देखते हैं एलोवेरा के फायदे। एलोवेरा का प्रयोग एक पौष्टिक आहार के रूप में भी होता है। इसमें विभिन्न तरह के मिनरल्स, विटामिन से युक्त एलोवेरा थोड़ी गर्मी के साथ अपना प्रभाव देता है। रोज सुबह इसके लगभग एक छोटे प्याले के सेवन से दिन भर शरीर में ताकत और स्फूर्ति बनी रहती है। यह बवासीर जैसे कष्टदायी रोग में भी आराम पहुंचाती है। मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद है एलोवेरा। गर्भाशय के विभिन्न रोगों में भी यह बहुत गुणकारी है। पेट से संबंधित समस्याओं में भी रामबाण उपाय है। जोड़ों के दर्द में भी काफी आराम पहुंचा देता है एलोवेरा। त्वचा की तमाम समस्याएं जैसे मुहासे, रूखी त्वचा, धूप से सुलझी हुई त्वचा, झुर्रियों, चेहरे के दाग धब्बों, आंखों के काले घेरों, फटी एड़ियों के लिए भी यह काफी लाभदायक है। एलोवेरा खून की कमी को दूर करता है तथा शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बढ़ाता है। जलने पर, कटने पर, अंदरूनी चोटों पर एलोवेरा अपने एंटीबैक्टीरिया और एंटीफंगल के गुणों से जल्दी घाव भर देता है। यह रक्त में शुगर के लेवल को भी नियंत्रित रखता है। यह मच्छर से भी त्वचा को सुरक्षित रखता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे गुण मौजूद होते हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल जेल, बॉडी लोशन, हेयर जेल, स्किन जेल, शैम्पू, साबुन, फेशियल फोम, ब्यूटी क्रीम, हेयर स्पा इत्यादि के निर्माण में भी किया जाता है।
एलोवेरा का जेल या रस अगर मेहंदी में मिलाकर बालों में लगाने से बाल चमकदार और स्वस्थ रहते हैं। एलोवेरा के रस में नारियल के तेल की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर कोहनी, घुटने और एड़ियों पर कुछ देर कर लगाकर उसको बाद में धोने से इन जगहों पर पड़ने वाला कालापन भी दूर होता है। एलोवेरा की पत्तियों का सेवन करने से पेट में कब्ज की समस्या से भी राहत मिलती है। गुलाब जल में एलोवेरा का रस मिलाकर त्वचा पर लगाने से त्वचा की खोई हुई नमी भी लौट आती है। एलोवेरा के गूदे में मुल्तानी मिट्टी या फिर चंदन पाउडर मिलाकर लगाने से त्वचा के कील मुहासे आदि लंबे समय तक भी मिट जाते हैं। यह पौधा कम पानी में और कम उर्वरक मिट्टी में भी आसानी से पनप सकता है, इसलिए आप इसे बड़ी आसानी से अपने घर में ही छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।